बी यू एम यू बी एस सी नर्सिंग जे एन एम एन एम पैरामेडिकल काउंसिलिंग 2023। जैसे कि कल रात की वीडियोस में मैंने आपको सीट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग वीडियोस प्रोवाइड कर दी थी, काफ़ी डाउट आपके माइंडसेट में आ रहे थे, खासकर बी एस सी नर्सिंग वाले स्टूडेंट के अंदर चंपावत के रिगार्डिंग की, सर जो चंपावत का कॉलेजेस है वहाँ पर जो सीट है अनरिजर्व, कहने का मतलब जनरल के 18 सीट यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन जब हम नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं जहाँ पे कॉलेज वाइज सीट डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे जो कॉलेजेस के नाम है वहाँ पे जीरो शो कर रहा है। इसके रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी और साथ ही साथ काफ़ी स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे थे सर हमने काउंसलिंग में गलत भर दिया है, कहने का मतलब हमने प्रिफ्रेंस गलती से जो हमें लास्ट में डालनी थी वो पहले नंबर पर डाल दी, क्या हुआ, अब सही हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं चंपावत के रिगार्डिंग, तो ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कंप्यूटर्स का जो काम करता है वहाँ पे डाटा एंट्री का, उसके द्वारा यहाँ पे मिस्टेक हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावत में जो सीटें आपके 18, स्पेलिंग देख सकते हैं आप चंपावत के CHAMPAWAT, लेकिन जब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे छठे नंबर पे तो यही मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट हर इंसान से गलती होती है, तो यहाँ पे भी उन्होंने एक मिस्टेक कर दी है, CHAMP देख सकते हैं आप, ए यहाँ पे मिस है चंपावत के स्पेलिंग में। चलो ये कोई माइनर मिस्टेक हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल की जो सीटें यहाँ पे किस तरीके से डिवाइड हो रखी है, यहाँ पे बिल्कुल शो नहीं कर रखा है 18 सीटें किस तरीके से डिवाइड हो रखी है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो ये कन्फ्यूजन आपके अंदर है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट, जो जनरल की सीटें 18 है लेकिन 18 सीटें भी कुछ इस तरीके से डिवाइड हुई, जैसे कि आप देख सकते हैं पौड़ी गढ़वाल में यहाँ पे फ्रीडम फाइटर की कितनी है, ऑर्फन की कितनी है, वुमेन की कितनी है, ओपन की कितनी है, तो यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है ओपन की 14 से लेकर 15 सीटें होने वाली है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने कम्प्लीटली यहाँ पे जो डाटा एंट्री के द्वारा जो मिस्टेक हुई है जिसके कारण आपको चंपावत के कॉलेज में मिस्टेक देखने को मिल रही है। सो डोंट बी पैनिक स्टूडेंट, आपकी सीटें 18 है लेकिन 18 सीटें में से जहाँ तक मुझे लग रहा है ओपन की सीटें 14 से लेकर 15 तक आपकी रहने वाली है, बाकी सीटें डिवाइड होती है स्टूडेंट। और आने वाले दिनों में मैं आपको भी बता दूंगा स्टूडेंट, जो सीटें रहती है FFDPW सेकेंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग किस तरीके से मिलेगी, क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, अगर ये स्टूडेंट नहीं रहेंगे तो क्या होगा, तो आने वाले दिनों में मैं इसके रिगार्डिंग वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी जो स्टूडेंट कह रहे थे कि हमने काउंसलिंग में प्रिफ्रेंस गलत भर दी, तो मैंने काफ़ी बार आपको वीडियोस में कहा भी था स्टूडेंट, प्रिफ्रेंस भरते समय आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा प्रीव्यू का, पहले आप प्रीव्यू चेक करो, प्रीव्यू में आपको समझ में नहीं आता तो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था डिलीट ऑल प्रिफ्रेंस, वो भी ऑप्शन आ रहा था, लेकिन बच्चों को इतनी जल्दीबाजी होती है मतलब समझ में नहीं आता, 8 तारीख तक आपकी काउंसलिंग की डेट है, मतलब यार क्या बोलूँ मैं ऐसे बच्चों को, फिर बच्चे बोलते कि सर आप हमारी हेल्प नहीं करते हैं, मतलब इतनी वीडियोज़ में आपको समझा चुका हूँ कि पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता स्टूडेंट, फिर भी कॉन्टेक्ट एस में आप कॉल करना, लेकिन मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम अब रिजॉल्व नहीं होगी, ये आपकी मिस्टेक है स्टूडेंट, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं जो हेल्पलाइन नंबर है कॉन्टेक्ट एस में, इस पर कॉल करके एक बार आप अपनी मन तसली जिसे आप कहते हैं एक सुदवल अपनी लैंग्वेज में, तो वो आप कर सकते हैं, अगर तभी भी आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी तो सॉरी फॉर स्टूडेंट, आपकी कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी, क्योंकि गलती आपकी है, आपने प्रिफ्रेंस गलत भरी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने हर एक ऑप्शन वहाँ पे दिया था, सबमिट होने से पहले भी प्रीव्यू का ऑप्शन दिया था। आई होप ये तमाम डाउट जिन स्टूडेंट के आ रहे थे वो क्लियर हो चुके हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और आने वाले दिनों में मैं जो सब कैटेगरीज बाजी डिवाइड हो रही उसके रिगार्डिंग कल आपके लिए फुल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।